हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आपने प्लस टू पास की हुई है, प्लस टू की हुई है और आप जॉब की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज के बारे में। तो क्या लोकेशन है, किस लोकेशन पर किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं और क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्लस टू यहाँ पर रहने वाली है। तो और बेसिक डिटेल्स क्या रहने वाली है, जैसे कि सैलरी स्ट्रक्चर है, नेम ऑफ द पोस्ट क्या रहने वाला है, तो ये सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल के कंटेंट को, चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आज का वीडियो शुरू। देखिए ये इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, तो आप देख सकते हैं सी एस आई आर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च चंडीगढ़ के अंदर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये इसका जो है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 3/2019, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्वेल्थ पास कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उनमें सबसे पहली है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहाँ पर ये टोटल 7 पोस्ट निकली हुई हैं, यानी कि 7 वैकेंसी हैं, जिसमें से 5 वैकेंसीज हैं अनरिजर्व और 2 वैकेंसीज ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। सैलरी के अगर देखें तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर्स दिया गया है। इसके बाद जो दूसरी जो पोस्ट निकली हुई है उसमें आप देखेंगे कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर वैकेंसीज हैं। एक पोस्ट यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है, एक पोस्ट यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए निकली हुई है। तो सैलरी यहाँ पे भी 19,900 से लेकर 63,200 रहने वाली है। तीसरी जो पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली है, इसमें एक पोस्ट है जो कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है और यहाँ पर जो सैलरी रहने वाली है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये यहाँ पे सैलरी रहेगी। 27 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट दी गई है। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्वेल्थ पास कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स हैं, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है ट्वेल्थ पास यहाँ पे दी गई है तीनों ही पोस्ट के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट की बात करें तो 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ये टाइप राइटिंग आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर हम फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ये टाइप राइटिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। प्लस टू होनी चाहिए, साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड में भी आपका जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाली है एससी एसटी या जो अदर बैकवर्ड जो क्लासेस होती हैं उनको। इसके बाद अगर हम बात करें कि कैसे अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको सीएसआईआर चंडीगढ़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का एक लिंक मिलेगा। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये imtec.res.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना है और 15 सितंबर 2021 तक आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपीज़ यहाँ पे फीस रहने वाली है, लेकिन अगर आप एससी एसटी वुमेन पीडब्ल्यूडी अदर जेंडर कैटेगरी एक्स सर्विसमैन या सीएसआईआर एम्प्लॉयज से रिलेटेड हैं तो आपको जो है कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स हुई। उसके बाद हम बात करते हैं कि
सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसीजर में तीनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, पार्ट वन, पेपर वन, पेपर टू। उसके बाद आपका जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें टाइपिंग टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। जो कैंडिडेट्स पेपर वन को क्वालिफाई करेंगे उनको जो है सेकेंड पेपर में बैठने का मौका दिया जाएगा, और जो कैंडिडेट्स सेकेंड पेपर में मेरिट लिस्ट में आते हैं उसके बाद उनको जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा। ये जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा इन नेचर में, और मेरिट जो बनेगी वो होगी आपकी जो पेपर सेकेंड है उसके बेस पे। तो उसमें जो कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में आएंगे उनकी ज्वाइनिंग वहाँ पर करवाई जाएगी। तो ये बेसिक डिटेल्स है यहाँ पे, पेपर वन में क्या सिलेबस रहने वाला है, पेपर टू में क्या सिलेबस रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इस पीडीएफ का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो वहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन भी मैच कर सकते हैं, और इसका जो सिलेबस रहने वाला है या पेपर वन का पेपर टू का क्या स्कीम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बेसिक डिटेल्स मैंने बता दी हैं कि 12th पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं CSIR चंडीगढ़ के अंदर। रेगुलर बेस वैकेंसीज हैं, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है, 12th क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर आपने 12th की हुई है, टाइपिंग आप कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इन पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। तो आज इस वीडियो में बेसिक डिटेल्स मैंने बता दी है, होप आपको सब समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।